हैं आप सब। देसी दस्तरखान विधु नज़म में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए बनाएंगे फ्राइड चिकन बर्गर, जो कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए मुझे जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, उसमें मैंने सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने चिकन ली थी 400 ग्राम बोनलेस चिकन लेके, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके तो श्रेड कर लिया। तो इसको हम डालेंगे और पैन को मैंने हीटअप होने के लिए पहले रख दिया था। अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से पहले हल्का सा हम इसे रोस्ट करेंगे और मैंने ऑयल बिल्कुल कम डाला, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है तो उसमें भी ऑयल यूज़ होगा, लिहाजा मैंने ऑयल कम डाला। और अब मैं इसको ज़रा सा फ्राई करके फिर मैं मसाला जार डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। मैं चिकन को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और अब मैं आपको मसाला जात के बारे में बताती चलूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून जो है मैंने लिया है लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है अदरक पाउडर, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक हसबे ज़रूरत है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है ये गरम मसाला, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है ये जो है दरदरी जो लाल मिर्च होती है कुटी हुई, वो ली है मैंने। तो इन तमाम मसाला जात को हम इसमें शामिल कर लेंगे, ये तमाम मसाला जात अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मैं इनको अच्छी तरह से थोड़ा भून लेती हूँ। रोस्ट ही करना है हमने, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल कम डाला है, तो रोस्ट करके और साथ ही मैं ये सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस जो वो मैंने ली है 1 टेबलस्पून, ये मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। जी हमारा सारा जो बैटर है वो बड़े ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और मैंने तमाम स्पाइसेस चेक कर लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने फ्लेम भी ऑफ कर दिया और अब हम इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। जी तो देखें माशाल्लाह से जो हमारा बैटर है बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैंने बंद गोभी ली है और इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसके अलावा जो है मोज़रेला चीज़ मैंने ली है, ये मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पसंद करते हैं, और आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और अब मैं आपके साथ ये शेयर करती चलूँ कि मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं हसबे ज़रूरत, जिनके साथ जो है हम इनको करेंगे अपने बर्गर्स की कोटिंग वगैरह करेंगे। ये मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, इन्हें मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। बर्गर्स जो हैं 4 अदद बर्गर्स मैंने लिए थे और इनके मैंने पीसीस कर लिए थे 2-2। ये देखिए हमारी 2 सॉसेज है, ये एक मैंने ली है बारबेक्यू सॉस और एक मैंने ली है डायनामाइट सॉस। जो है पहले इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अपने बर्गर पर, एक नीचे वाले हिस्से पर हम ये स्प्रेड कर लेते हैं और ऊपर वाले हिस्से पर हम अपनी ये जो है बारबेक्यू सॉस है ये कर लेंगे। मैं आपके साथ एक और शेयर करती चलूँ बात कि आप कोई भी सॉस जो है वो ले सकते हैं, चिली सॉस भी ले सकते हैं, इसके अलावा इमली की जो हम सॉस बनाते हैं घर में खट्टी मीठी चटनी, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं कि हम ज़रूर यही वाली सॉसेज जो हैं वो लगाएँ। अब मैं इसको इस तरह से अपना हम बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद हमने इसकी अब करनी है अंडे के साथ कोटिंग, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना, तो ताकि हमारी जो वो है खुले ना, हमारा जो हमने इसको बाइंडिंग इसकी हमने बहुत अच्छे से करनी है। इस तरह करने के बाद ये देखिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, इस तरह करेंगे इसको और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह थोड़ा सा आपने इसको प्रेस कर लेना ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो। अब मैं इसको इस तरह अपने अंडे के बैटर में डालूँगी, इस तरह हमने डालना है अंडे के बैटर में इसको, और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के अच्छी तरह से इसकी ये कोटिंग कर लेंगे। जी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे 4 बर्गर जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कोटिंग हो चुकी है, और अब हम इनको फ्राई करते हैं तो आपको दिखाते हैं हम फ्राई करते वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 बर्गर हमने डाल लिया अपना, इसके साथ ही हम दूसरा भी डाल देंगे, कम से कम 2 बर्गर हम साथ तैयार कर सकते हैं। ऑयल का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह से हीटअप हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे इनको ज़्यादा टाइम फ्राई होने में नहीं लगेगा। इसके साथ ही हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे क्योंकि जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और अब मैं इनको थोड़ी सी देर के बाद बस लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। साइडों से हम हल्का सा करेंगे, देखिए माशाल्लाह से हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो गए हैं बिल्कुल, और अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी।
फ्राई करके अब मैं आपको एक कट करके दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो बर्गर है वो तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह जी, इसकी लेयर देखें आप, और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो, क्रिस्पी और सुपर टेस्टी देखने में माशाल्लाह लग रहे हैं। कल आप देख रहे हैं कि हमारे बर्गर ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं और आप इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसको आप चिप्स के साथ कर सकते हैं सर्व, और ये मैंने जो सॉसेज बनाई है तो वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं, तो आप इसी तरह इन्हें बनाएँ। और प्लीज़ व्यूअर्स, आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।